ए मेला बच्चा, मेला बेबी, ले पी ले पी ले। कंजूसी की भी कोई हद होती है, फीटर में भी कोई पेट्रोल लेके आता है भला। बिज्जू भाई 50 का पेट्रोल आजकल फीडर में ही लेना पड़ता है। 50 के पेट्रोल के लिए अगर बोतल लेके जाओ ना, तो वो 50 का पेट्रोल तो बोतल को चिपक जाता है। बाइक में क्या डालेंगे ठुल्लू? तो मत करो ना इतनी कंजूसी, 50 की जगह 100 का पेट्रोल ले लेते। ओ बिज्जू भाई, आज इस बाइक को बेचने जा रहे हैं इसलिए कम पेट्रोल डलवाया है, नहीं तो मैंने कंजूसी मंजूसी कभी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक में जब भी पेट्रोल डलवाया है कम से कम 60-70 का डलवाया है। चलो अब इसको बेचते हैं। बाइक बेच रहा है, आज इसकी जेब से खाना खाएंगे। बैठो बैठो। रुको 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 रुको। अबे सालो, डबल सवारी पे पाबंदी है, तुम लोग 3 दिन घूम रहे हो। 3 चौथा किधर है जो हमारे साथ था? खाना तो उसी ने खिलाना था। अच्छा अभी चौथा भी था? अबे सालो मुझे गिरा के भाग आए हो। चलो अब किधर चलो, तुम लोगों का चलान होगा। ओह नो, भाई की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले जाओ। शुक्र है बचत हो गई, ये ससुरा अभी यही मर जाता। कैसी लगी फिर मेरी एक्टिंग? उतरो भाई उतरो। हेलो भाई, बाइक की चाबी, बाइक संभालो, पैसे दे दो मुझे, मैंने नई बाइक लेनी है। और जितने में बात हुई थी उतने देना, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। हाँ दे रहा हूँ पैसे। जितने की बात डन हुई थी ना, ये उतने ही है। लाग तो पूरे रहे हैं, एक बार गिन लेता हूँ। अच्छा, इसने पुरानी बाइक इसलिए बेची है ताकि नई बाइक ले सके। कहीं नई बाइक लेते लेते इसकी जेब खाली ना हो जाए। ऐसा करता हूँ, इसको पहले होटल पे ले जाता हूँ, इसकी जेब से खाना खा लेते हैं, फिर बाइक ले लेंगे। ठीक है उस्ताद, पूरे हैं, आज के बाद ये बाइक तुम्हारी। ठीक है ठीक है। इन पैसों में कुछ पैसे और मिला के नई बाइक ले लूंगा। नई बाइक के बजे पहले हमें खाना खिला, सुबह के हम भूखे हैं। पहले बाइक तो ले लेने दो, खाना भी खिला दूंगा। नहीं भाई, पहले खाना खिला, तू कंजूस है, बाद में नहीं खिलाएगा। नहीं यार, मैं बाइक जैसे ही लूंगा आपको खाना भी खिला दूंगा। नहीं नहीं, पहले हमें खाना खिलाओ। भाई खाना खिलाओ तो, भूख लगी है। अच्छा चलो होटल पे चलो यार। ये यहाँ का मशहूर देसी ढाबा है, मैं तो कहता हूँ यहीं से खाना खा लेते हैं, खाना अच्छा होता है। चलो फिर खाते हैं बोटियाँ छोटियाँ। आजो यार, मंगाओ कुछ चिकन शिकन। अच्छा भाई, 4 चिकन पीस ले आओ और रोटियां ले आओ। ठीक है, सारा भी ले आता हूँ। पंक पंक पंक, आज तो बोटियाँ छोटियाँ खाऊंगा मैं। खा लियो खा लियो। हाय ये रहता, कोई यार कपड़ों पे गिरा दिया यार। यार भूख भी तो बहुत लगी हुई है यार। अच्छा चलो तुम लोग खाओ, मैं ये धो के आता हूँ। ठीक है। वेटर मेरी बात सुनो। ये सर, इस होटल में जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरी तरफ से ये चिकन पीस उन सब लोगों में फ्री में बांट दो। सर इस होटल में तो बहुत रश है, आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, आज बहुत खुशी का दिन है, मेरी जॉब लगी है। जाओ और सब में चिकन पीस बांट दो। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी मैं बांट देता हूँ। मैं हैरान हूँ, तेरी जैसे कंजूस आदमी ने पूरे होटल में कैसे फ्री में खाना बांट दिया। तेरी तो कोई जॉब भी नहीं लगी, फिर तूने क्यों झूठ बोलकर पूरे होटल में चिकन पीस बांट दिए? बात मेरी समझ में भी नहीं है, ये आखिर माजरा है क्या? तुम ये बातें छोड़ो और चुप करके खाना खाओ, बाहर चल के सब कुछ बता दूंगा। चिकन तो अच्छा था यार। सर और कुछ चाहिए? नहीं भाई, मेरा बिल कितना है? सर 50,000 रुपए। ये 55,000 है, बल्कि ऐसा करो इसमें से 50,000 अपने मालिक को दे दो, बाकी के 5,000 तुम रख लो, जॉब लगी है मेरी। थैंक यू सर। चलो यार। हाँ तो अब बताओ, तुम्हारी तो कोई जॉब नहीं लगी, तो फिर तुमने झूठ बोलकर पूरे होटल में फ्री खाना क्यों बांटा? अच्छा तो फिर सुनो, जब मैं कपड़े साफ करके वापस आ रहा था तो मैंने देखा। ये लो बेटा खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना। खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं अबू, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मुझे चिकन पीस खाना है, मुझे चिकन पीस मंगा के दो। बेटा मेरी जेब में पैसे नहीं है चिकन पीस के लिए, आइए दाल खा लो, कल तुझे खिला दूंगा, खा मेरा बेटा।
अब्बू मुझे भी उस अंकल की तरह चिकन पीस खाना है। मेरे पास नहीं है चिकन के पैसे, मैं कहाँ से लाऊं? हम लोग वहाँ मजे से बैठ के चिकन खा रहे हैं और ये बेचारा गरीब बाप अपने बेटे को जबरदस्ती दाल खिलाने पे मजबूर है। कुछ करता हूँ। ये ले सर चिकन, एक बंदे की जॉब लगी है, उसने ये चिकन फ्री भेजे हैं। या अल्लाह शुक्र है आपका, ये लो बेटा खाओ। तो अब तुम्हें पता चला मैंने होटल में खाना फ्री क्यों बांटा? ताकि वो बच्चा अपनी पसंद का खाना खा सके। गुड यार गुड। हाँ तो तू सिर्फ उस बच्चे को भी तो खाना खिला सकता था, पूरे होटल में खाना बांटने की क्या जरूरत थी? यार मैं उस गरीब बाप की इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर मैं सिर्फ उनको खाना खिलाता तो उनको ये लगता कि मैं उन पर एहसान कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरे होटल में खाना बांटा ताकि किसी को ये ना लगे कि मैंने उन पर एहसान किया है। वेल डन यार।